दोस्तों भारत ने चीन के गालों पे फिर से जड़ दिया तमाचा और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन की कट डाली इतनी बड़ी बेइज्जती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। वैसे दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि जब से गलवान वैली में घटना घटी है तब से भारत लगातार चीन पर अपना कमान कस रहा है और लगातार राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक और सैन्य स्तर पर कार्रवाई भी करते हुए नजर आ रहा है, जिसमें हाल ही में आपको पता होगा चीन को 5G ट्रायल्स से बाहर निकाल दिया था। जी, आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में भारत में 5G ट्रायल्स होने जा रही है, जिसमें से तकरीबन 13 एप्लीकेशंस को अप्रूव कर दिया गया है, 13 अलग अलग कंपनियों को अप्रूवल मिला है। और बात कर ली जाए तो वहीं भारत से JT और Huawei जो कि चाइना की कंपनी है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वैसे दोस्तों भारत ने चीन पर कई सारी कार्रवाइयां की हैं, चाहे वो भारतीय सरकारी टेंडर से चीन की कंपनियों को बाहर निकालना हो, चाहे बात कर ली जाए तो चीन के प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाना हो। वहीं वायरलेस वाईफाई रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि चाइना से आते थे, Xiaomi, Lenovo, Oppo, Vivo के, तो उन सभी पर अब भारत ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो वायरलेस वाईफाई रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइना के यहाँ भारत में काफ़ी ज़्यादा सेल होते थे, उन सब पे जहाँ भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ PLI स्कीम के तहत चीन में बसी बहुत सारी कंपनीज को भारत में आकर्षित भी कर लिया था और इसमें भारत काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी साबित हुआ, जिसके कारण चीन में बसी बहुत सारी कंपनीज भारत में आकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करना स्टार्ट कर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में अब पहले मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पर असेंबल हुआ करते थे, वहीं अब मोबाइल फ़ोन्स को अब यहाँ बनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया है। जहाँ भारत में कई जगहों पर मोबाइल फ़ोन्स भी बनना स्टार्ट हो चुका है। वैसे दोस्तों ये सारी चीज़ों की शुरुआत भारत ने पहले चीन के तकरीबन 260 ऐप पर प्रतिबंध लगाकर ही स्टार्ट किया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने लगा भारत, जिसके बाद चीन का होस्ट ठिकाने आने लगा, जिसके कारण गलवान वैली में चीन को डिसएंगेजमेंट और डिसएस्केलेशन जैसी प्रक्रिया को स्टार्ट करना पड़ा। वही दोस्तों अब चीन की भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कर डाली है बेइज्जती। जहां बात कर ली जाए तो हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और उस बैठक में दुनिया भर के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, वो सभी शामिल उनको होना था, जिसमें रशिया के सर्गेई लावरोव और चाइना के वांगी, जी हाँ सभी जो थे, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, उन सभी देशों के, वो सभी शामिल हुए थे। जिसमें से बात कर ली जाए तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को भी शामिल होना था, लेकिन दोस्तों एस जयशंकर साहब इस बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इस महीने चीन की अध्यक्षता में ही बैठक होगी UNSC में, जी हाँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इस बैठक में शामिल नहीं हुए, बल्कि भारत की तरफ से भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला रिप्रेजेंट किया उन्होंने इंडिया को, उन्होंने मीटिंग अटेंड की। और साथ ही साथ बात कर ली जाए तो इस मीटिंग के दौरान ये बातचीत होने वाली थी कि अफ्रीका के मुद्दे पर और इस COVID-19 के मुद्दे पर। वैसे दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि हमारे भारतीय सचिव हैं, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए अपना गुस्सा भी जाहिर किया। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब मीटिंग होनी थी तब तो मीटिंग आप लोगों ने की नहीं। जी हाँ, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बैठक अगर COVID-19 की जब शुरुआत हुई थी, अगर तभी हो जाती तो इस पर एक काफ़ी बड़ा निर्णय लिया जा सकता था और काफ़ी बड़े नुकसान से बचा भी जा सकता था और पूरे विश्व को बचाया भी जा सकता था। उन्होंने डायरेक्ट निशाना चीन को साधते हुए ये कहा। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो उन्होंने आपको ये भी बता दें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन COVID-19 का जो पहला वेव आया था उसमें भारत ने तकरीबन 160 देशों की मदद की थी, जिसके बदले आज जो COVID-19 का दूसरा वेव आया है और भारत मुश्किल में खड़ा है, तो ऐसे में पूरी दुनिया की तरफ से मदद आ रही है, उन सभी चीज़ों को लेकर भी उन्होंने बात की। वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी फिलहाल नॉन परमानेंट मेंबर है और बात कर ली जाए तो अपना गुस्सा जाहिर करते हुए चीन को निशाना साधते हुए कहा कि भाई अगर तुम लोग जब बीमारी शुरुआत हुई थी अगर उसी वक्त इस बैठक को किया जाता तो इस वक्त पूरी दुनिया इस बीमारी से नहीं जूझ रही होती। तो दोस्तों चीन को निशाना साधते हुए हमारे भारतीय सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने ये बात कही। वैसे आपको बता दें कि एस जयशंकर साहब ने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया और उन्होंने बायकॉट कर दिया और इस अपने बदले भारतीय सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला साहब को भेज दिया और इसमें वर्चुअल तरीके से ये मीटिंग्स हुई थी, जिसमें पूरी दुनिया भर के जितने भी विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर थे वो शामिल थे, लेकिन भारत की तरफ से विदेश मंत्री नहीं भारतीय विदेश सचिव को भेजा गया। तो ऐसे में दोस्तों साफ पता चलता है कि चीन के गालों पे कड़ा तमाचा था, क्योंकि चीन की अध्यक्षता में इस महीने मीटिंग्स हो रही थी जो कि टॉप लेवल के डिप्लोमेट्स की मीटिंग थी और इस मीटिंग में भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे वो शामिल नहीं हुए, उन्होंने बायकॉट कर दिया। चीन की अध्यक्षता में इस मीटिंग को उन्होंने अटेंड करना जरूरी नहीं समझा। वैसे दोस्तों आने वाले वक्त में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन की अध्यक्षता में दो और मीटिंग्स होने वाली है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत उस पर क्या स्टेप लेता है, क्या रिएक्शन देता है और क्या आगे भी इसी तरह से चीन की अध्यक्षता में उनकी मीटिंग्स को बायकॉट करता है या नहीं। वैसे दोस्तों जैसे ही एस जयशंकर साहब ने चीन की अध्यक्षता वाली इस मीटिंग को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बायकॉट किया, वैसे ही ये खबरें आने लगी कि भाई
गलवान वैली की जो घटना घटी है, जी हाँ, उसको अभी तक भारत नहीं भूला है, जिसको लेकर चीनी मीडिया ने कंट्रोवर्सी भी करी। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो भारत ने क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन की अध्यक्षता की इस मीटिंग को बायकॉट करके, जी हाँ, इस तरह से एस जयशंकर साहब ने चीन को कड़ा संदेश देकर क्या सही किया है या नहीं, इस पर आपका क्या है ओपिनियन, नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे मेरे पास आई कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।